जिसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? कुंदन कैसे जख्मी हो गया? बाकी तीन लोग कहां गायब हो गए? जी सरदार। शेरा की शहनशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर यह खून बहाने की हिम्मत किसने की? पता नहीं सरदार। कुंदन, कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्म को देखो, जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। सरदार, ये तो आपका भाई है। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हमारे किसी साथी को पुलिस पकड़ नहीं पाई और आज एक ही दिन में हमारे चार आदमी भी मार दिए गए। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो, मगर जिंदा। मर गए तो उनके सीने में छुपा हुआ राज भी मर जाएगा। जाओ। भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें, ताकि वो हंसता खेलता दौड़ता हुआ अपने बीवी बच्चों के पास जाए। ऐसी गलती मत करना सरदार। ये गलती तो हम जरूर करेंगे भीमा। अरे जरा सोचो तो सही, जब वो कैदी हमारी कैद से छूटकर अपने घर जाएगा तो उसके घर वाले कितने खुश होंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत, आज शेरा मेहरबानी की मौज में है। बोलो कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? आज हम उसे आजाद करके घर भेजना चाहते हैं। बोलो। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। इससे पहले कि हमारी दया का सागर सूख जाए, फौरन यहां से चले जाओ। भगवान आपका भला करे। भगवान आपका बस भला बस बस, हमें दुआएं मत दो, हम भगवान भगवान को नहीं मानते। तुम्हें आजाद किया है, तुम फौरन यहां से चले जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश शाबाश, जाओ। भीमा। जी सरदार। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब पौना मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। बहुत अच्छी है, ऐसी ही एक दर्जन और खरीद लो।